राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख एवं बिहार विधानसभा के मुख्य विपक्षी नेता तेजस्वी यादव आज बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव पहुंचे। मोहम्मदपुर गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार के परिजन एवं छोटे छोटे अनाथ बच्चों से मिले, साथ ही न्याय दिलाने एवं जल्द से जल्द गुनाहगारों को सख्त से सख्त सजा दिलाने हेतु सरकार पर दबाव बनाने की बात कहे। आपको बता दें कि होली के दिन जहां लोग रंग अबीरों से आपस में भाईचारा, प्रेम एवं बंधुत्व का संदेश दे रहे थे, तो वहीं मोहम्मदपुर गांव में खून की होली हो रही थी। आपसी रंजिश के कारण एक ही परिवार के 3 सदस्य गोली के द्वारा भून दिए गए और वहीं उनकी मौत हो गई। साथ ही अन्य 2 लोगों की मौत भी इस घटना में हुई। यह घटना पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है, साथ ही मानवता को शर्मसार कर रही है। यही कारण है कि आज बिहार सरकार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव अपने लोगों के साथ पीड़ित परिवार के परिजन से मिलने बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव पहुंचे, जहां तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मिलकर संबोधन करना चाह रहे थे, किंतु भीड़ इतनी थी कि संबोधन करना संभव नहीं रहा। ऐसे में प्रतिपक्ष के नेता पीड़ित परिवार से मिलकर पुनः पटना की ओर लौट चले, लेकिन देखना है कि अब पीड़ित परिवार के साथ किस प्रकार का न्याय होता है। क्या इसी प्रकार लोग उनके साथ आने वाले समय में इस परिवार के साथ संवेदना रखेंगे, यह आने वाला भविष्य ही तय करेगा। किंतु जो घटना इस परिवार के साथ हुई है वह बहुत ही दुर्दांत घटना है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम होगी। तमाम जो अपराधी फांसी की सजा की मांग हो रही है, साथ ही साथ जो भी पदाधिकारी की संलिप्तता है, चेतनानंद जी में बात कर लेते हैं। चेतनानंद जी, परिवार बनाया, आपने काफी व्यवस्था बनाई है, आपने जब यहाँ पे आए उसके बाद से मामला हाईलाइट किस तरह से आज निर्णय लिया गया, क्या कुछ बोला है? पूरी पार्टी जो है वो तब तक लड़ाई लड़ेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, और हम लोग इस लड़ाई में पूरे परिवार के साथ है। परिवार को घबराने की जरूरत नहीं है, और बोलिए हम लोग जो है न्याय दिला। क्या परिवार के सदस्यों ने क्या कुछ कहा, किन मांगों को उन्होंने रखा है? सिंपल है, हम लोगों ने स्टार्टिंग से बोला है परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी, हर एक परिवार में जहाँ जहाँ मुस्लिम करना है। साथ ही साथ हम ये बोल रहे हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए 50 लाख। हाँ, और ये कहना चाहेंगे कि स्पीडी ट्रायल करा करके जितने भी मुजरिम हैं उनको, हमको लगता है इतने बड़े कांड में फांसी की सजा होनी चाहिए। जैसा कि सीएम नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये चीजें कही है कि जो भी हत्याएं हुई है उनका मैं पुलिस काम कर रही है। हमारी डीजीपी से दिन भर में 5 बार बात है। पुलिस कैसा काम कर रही है, 4-4 घंटा लेट आएगी पुलिस, 2 किलोमीटर दूर थाना है, 4 घंटा लेट आएगी, और इसका जवाब दे ही कौन लेगा? अगर नीतीश कुमार नहीं लेंगे तो और कौन लेगा? काफी गलत मामला में फंसा के जेल भेजते हैं। काफी रोष में जो यहाँ के लोग हैं ग्रामीणों, वो इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि डीएम और एसपी का अब तक यहाँ पे ना आना। वो लोग यहाँ से आए भी नहीं है, और साथ ही साथ ये भी बोल दिए कि हम परिवार को जो है विजिट कर लिया। ऐसे ऐसे तो डीएम पाल रखे, ऐसे ऐसे तो लोग
पदाधिकारी पाल रखे ऐसे ऐसे तो पुलिस वाले कर रखे नीतीश कुमार। कल आप लोग किस तरह से मीडिया मधुबनी में मधुबनी में ही मधुबनी को जाम करेंगे किस तरह से? देखिए सबसे पहली बात है कि ये जो यहाँ के एसपी हैं उनका फोन ऑफ था, जब उनको कॉल किया गया गांव की तरफ से उन्होंने फोन नहीं उठाया। हाँ, और हम लोग इस पूरे मामले को, क्योंकि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस कहीं ना कहीं उसे सॉफ्ट कॉर्नर है क्रिमिनल का। आपने तो देखा फोटो, फोटो कहाँ से आया? सॉफ्ट कॉर्नर है तभी ना, और सॉफ्ट कॉर्नर होने की वजह से पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हमको लगता है जब जरूरत पड़ती है, हाँ, जब बहरों को सुनाना होता है उसके लिए एक क्रांति की जरूरत होती है, यही क्रांति की आवश्यकता है और हम लोग उस क्रांति में लगे। जरूरत पड़ने पे क्रांति की आवश्यकता होती है, चेतन आनंद कह रहे हैं। चेतन आनंद और कई आरजेडी के विधायक आए हैं।